हे एवरीवन, कैसे हो सबके सब? आज अगर तुम मजे में होंगे पता नहीं क्या करोगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेटिना डिस्प्ले के ऊपर। अब ये टर्म रेटिना सुनने में जितना हार्ड लगता है ना, उतना ही सॉफ्ट है ये चीज़। आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो लेकिन आपको पता नहीं होता है। तो रेटिना डिस्प्ले का मेन मतलब होता है कि इसके अंदर जो पिक्सल डेंसिटी होता है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जब आप कोई फ़ोन खरीदते हो उसके अंदर आप ये चीज़ तो देखे होंगे कि पिक्सल डेंसिटी लिखा रहता है, मतलब PPI लिखा रहता है। मतलब आपका जो स्क्रीन है, स्क्रीन के स्पेक्स में ये लिखा रहता है कि ये 236 PPI है या फिर 300 PPI है। मतलब आपका स्क्रीन में एक इंच के अंदर कितना पिक्सल दे रखे है। तो सिंपल है कैलकुलेशन, अगर तुमको एक इंच के अंदर ज़्यादा पिक्सल मिलता है तो स्क्रीन में जो इमेज तुम देखोगे उसका वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प होगा, क्लियर होगा, एंड देखने में भी तुम्हारे आँखों को अच्छी तरीके से मतलब आराम मिलेगा, ठीक है। तो अगर ज़्यादा पिक्सल तुम पंच करते हो एक छोटे से जगह के अंदर, तो ना तो सिर्फ तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इमेज क्वालिटी अच्छा होता है, बल्कि तुम्हारा एंटी एलेसिंग का लोड भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ठीक है। तुमको एंटी एलेसिंग तब भी ऑन करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ कि तुम जब गेम खेलते हो, एंटी एलेसिंग तुम तभी ऑन करते हो जब तुम्हारा स्क्रीन में जो पिक्सल होता है वो साइज़ में बड़े होते हैं। मतलब छोटे ही होता है बट, लेकिन रेटिना डिस्प्ले में जो पिक्सल के साइज़ होता है या फिर तुम्हारे फ़ोन के स्क्रीन में जो डिस्प्ले जो पिक्सल का साइज़ है उससे कई हद तक बड़ा होता है तुम्हारा मॉनिटर का पिक्सल, जिसमें ही तुम्हें सब पिक्सल दिखेंगे। मतलब खुले आँखों से, नंगे आँखों से तुमको जिस भी डिस्प्ले पे तुमको पिक्सल दिखेंगे उसी डिस्प्ले पे तुमको अगर कुछ गेम वगैरह रन करवाओगे एंड उसमें कुछ शार्प एजेस आते हैं तो तुमको उसमें जो है एंटी एलेसिंग मतलब जैगडी लाइंस दिखेंगे। तो उसको हटाने के लिए तुमको फिर से एंटी एलेसिंग ऑन करना पड़ेगा, DLSS लगाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर मीडिया के इमेज शार्पिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करना होगा, कुछ भी तुम करो। लेकिन अगर हम इस चीज़ को जड़ से उखाड़ देना चाहते हैं कि हम लोगों को एंटी एलेसिंग ऑन ही नहीं करना है, तो हम लोग ये एक इनिशिएटिव ले सकते हैं कि छोटे से जगह के अंदर हम लोग ज़्यादा पिक्सल को भर दे। तो इसमें क्या होगा कि जो शार्प एजेस है उसमें उस एज को कवर करने के लिए आप उस पर बहुत सारे फिजिकल पिक्सल है, तुमको एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं कि आसपास के पिक्सल के हिसाब से सैंपल लेके उस मतलब जो खाली जगह है उसको तुम भरो, ठीक है। मतलब उसमें तुम एक्स्ट्रा सैंपल कलेक्ट करके GPU को लोड दे के तुम उस खाली जगह को भर के एक स्मूथ इमेज फॉर्म करो। अब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पिक्सल है, हाँ, इसमें अब कुछ लोग बोलेंगे कि फिर तो GPU का वर्कलोड कम हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारा पिक्सल काउंट भी बढ़ेगा तो GPU का कैलकुलेशन भी हर एक पिक्सल के लिए अलग से होगा, तो उसमें GPU का वर्कलोड आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा जितना कि एक एंटी एलियासिंग को फॉर्म करने के दौरान होता है। डिफरेंट टाइप के एंटी एलियासिंग होते हैं। तो रेटिना डिस्प्ले का वही सीधा मतलब है। iPhone 6s से ये कंपनी जो है मतलब एप्पल जो है ये मतलब ये जो टेक्नोलॉजी इसको इंट्रोड्यूस किया था अपने फ़ोन पे, एंड उसके बाद से ये टेक्नोलॉजी भाई हर कोई यूज़ करता है। मतलब सैमसंग के फ़ोन में भी तुमको मिलेगा, बट मुझे नहीं पता अभी तक मॉनिटर में ये अप्लाई क्यों नहीं होता है। क्योंकि देखो एप्पल के तो सभी डिस्प्लेज में ऐसे होते हैं। मतलब अब इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं कि हमको मतलब नॉर्मल गेमिंग मॉनिटर पे ये चीज़ नहीं मिल रहा अभी तक। इसके पीछे एक कारण हो सकता है कि जितना ज़्यादा तुम पिक्सल दोगे उतना ही ज़्यादा रिफ्रेश होने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें भी वर्टिकल रिफ्रेश रेट होते हैं, हॉरिजॉन्टल रिफ्रेश रेट होते हैं। तो अगर तुम 120 हर्ज़ या फिर 144 हर्ज़ या फिर 244 हर्ज़ तक भी जाना चाहते हो ना, तो उसमें उतने सारे पिक्सल को छोटे से टाइम के अंदर रिफ्रेश करके दूसरा इमेज फॉर्म कर पाना एक सेकंड के अंदर थोड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ है। इसके अलावा भी कुछ मार्केट ट्रेंड्स है कि अगर हम लोग डायरेक्टली फ़ोन में जो जिस तरीके का स्क्रीन आपको मिलता है उसी टाइप का स्क्रीन को अगर बड़े साइज़ में हम लोग कर देते हैं तो उसमें एक तो एंटी एलियासिंग का जो मार्केटिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। तुमको अब GPU को ज़्यादा मतलब तुम बेंच करना नहीं पड़ेगा कि यार एंटी एलियासिंग ऑन करने के बाद किस कैसा परफॉर्म कर रहा है, या फिर जो DLSS है उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा, या फिर इमेज शार्पिंग टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा बहुत ढीला हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से रेटिना डिस्प्ले अगर गेमिंग के अंदर आ गया तो भाई जाहिर हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। तो आज के डेट में लाइक iPhone 6s से लेकर तुम मैक प्रो कोई कुछ भी खरीद लो, उसके साथ जो स्क्रीन मिलता है या फिर डेस्कटॉप मिलता है सभी के अंदर तुमको वही रेटिना डिस्प्ले मिलता है। कुछ और भी चीज़ है जो कि तुमको उसके साथ फ्री मिलता है, लाइक एक्स्ट्रा एक्सट्रीम डायनेमिक रेंज या फिर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रास्ट रेशियो, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। उसके साथ रेटिना डिस्प्ले का कोई दूर का भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो रेटिना डिस्प्ले बस वही है, एक्स्ट्रा डेंसिटी वाला डिस्प्ले। नॉर्मल हम लोग बात करें, तुम अगर पेन का जो निप होता है उससे अगर तुम अप जो डिस्प्ले तुम अब यूज़ करो तुम्हारे कंप्यूटर के साथ, तुम्हारे जो पेन है जेल या फिर डॉट कुछ भी आप यूज़ करो, उससे अगर तुम एक छोटा सा डॉट देते हो अपने मॉनिटर के ऊपर, तो उस डॉट के अंदर भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितने पिक्सल आएंगे, एक या दो आएगा या फिर चार आएगा। लेकिन वही डॉट अगर तुम एक
एप्पल के रेटिना डिस्प्ले के ऊपर दोगे तो उस डॉट के अंदर तकरीबन 60 पिक्सल आ जाएगा। तो समझो एक डॉट के अंदर 60 पिक्सल है, मतलब कितना डेंस है वो। नॉर्मल मॉनिटर यूज़ करने के टाइम आप मतलब ह्यूमन आईज से मॉनिटर का जो डिस्टेंस रहता है वो भाई मिनिमम कितना रहता है, 75 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा। तो उस डिस्टेंस तक हमारा ह्यूमन आई जितना पिक्सल डिटेक्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा पिक्सल काउंट अगर आप अपने मॉनिटर पे रखोगे तो भाई हमारा ह्यूमन आई जो है पिक्सल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड थोड़ा आराम होगा आँखों को, मतलब चीज़ देखने में मज़ा आएगा। अपने मनपसंद वीडियो जब चला के देखोगे उस डिस्प्ले पे, रेटिना डिस्प्ले पे, तो अलग सा ही मज़ा आएगा। एंड अभी हो सकता है इसी वजह से एप्पल जो है 60 हर्ज डिस्प्ले लॉन्च कर रखे है, बट 144 हर्ज लॉन्च नहीं कर पा रहे, बट स्टिल मज़ा आएगा तुमको। तो ये है रेटिना डिस्प्ले। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया, एंड इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं ऐसी पीसी लेट कंटेंट लाता रहता हूँ, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। साथ ही में और कुछ नहीं करना है आपको, तो जाओ पढ़ाई करो एंड गेम वेम खेलो। तो या ख़त्म होता है वीडियो।